अभी का जो एक बड़ा अपडेट है नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रहा है, जहां पर बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इसके चलते 3 आतंकियों को फिलहाल मार गिराया है और इनकी बॉडीज को भी रिकवर कर लिया गया है। पूरी जानकारी आपको बताते चलें, बीती रात एक इन्फिल्ट्रेशन के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और ये जो अपडेट है आपको बताते चलें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमालकोट एक एरिया है, वहां पर ये पूरा वारदात जो है हुई है और इसके चलते आपको बताते चले एक इन्फिल्ट्रेशन के चलते 3 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मार गिराया है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले काफ़ी भारी मात्रा में तीनों जो आतंकी हैं उनसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो भी रिकवर किया गया है और स्पॉट से दोनों क्षमा करें तीनों डेड बॉडीज जो हैं फिलहाल वो भी रिकवर कर ली गई हैं और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी फर्दर जो ऑपरेशन है अभी भी जो है वो जारी है। और आपको बताते चले एक बड़ी अपडेट है और एक बड़ा समाचार नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रहा है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार आतंकी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार उनके प्रयासों को उनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तैनात है। और ऐसा ही अपडेट अभी सामने आ रहा है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर एक इन्फिल्ट्रेशन के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकियों को फिलहाल जो है वो मार गिराया है और काफी भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो भी रिकवर की गई है और तीनों बॉडीज को जो है वो भी फिलहाल स्पॉट से जो है वो रिकवर कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी भी जो है जारी है। पूरी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नमस्कार।